क्या राहुल वैद्य गाएंगे भाईजान सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई में एक स्पेशल सॉन्ग? चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूँ मूवीज अड्डा में। दोस्तों आपको बता दूं कि राहुल वैद्य जो है वो बिग बॉस सीजन 14 जरूर नहीं जीते है, पर उन्होंने किंग ऑफ हार्ट्स यानी सभी के दिलों पर राज जरूर किया है। और ऐसा ही कुछ लग रहा है कि बिग बॉस सीजन 14 के होस्ट यानी सलमान खान के दिल पर भी राज किया है राहुल वैद्य ने। दोस्तों आपको बता दूं कि खबरें ये आ रही है कि शायद राहुल वैद्य गाएंगे एक स्पेशल सॉन्ग राधे योर मोस्ट वांटेड भाई इस फिल्म में। ये मोस्ट अवेटेड फिल्म रही है 2020 से और फाइनली ईद पर ईदी एक तरीके से देते हुए नजर आने वाले हैं हम सभी को तोहफा ईदी का भाईजान सलमान खान। और अब खबरें ये है कि शायद से राहुल वैद्य एक स्पेशल गाना गाने वाले हैं। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि अब तक नहीं हुई है, पर अगर ये बात होगी तो भाई फैंस झूम उठने वाले हैं। आपको क्या कहना है बताइए इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। उर्वशी रौतेला ने किया है बोल्ड डांस योयो हानी सिंह के संग। चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूँ मूवीज अड्डा में। दोस्तों आपको बता दूं कि खूबसूरती के लिए जानी जाती है उर्वशी रौतेला, और उर्वशी रौतेला का जो गाना है लव डोज ये सभी को बड़ा ही भाया है। दोस्तों आपको बता दूं कि उर्वशी रौतेला ने एक वीडियो डाला है जिसमें वो बहुत ही प्रिटी लग रही है, और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के बाद हेटर्स ने भी कमेंट किया है और फैंस ने भी कमेंट किया है। आखिरकार ऐसा क्या ही कहा है उर्वशी ने, चलिए बताते हैं आपको। दोस्तों आपको बता दूं कि उर्वशी जो है उन्होंने ये वीडियो जो है वो शेयर करते हुए लिखा है साइट में कि माय फर्स्ट स्ट्रिप टीज एवर विद द किंग यानी योयो हानी सिंह के साथ। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से योयो हानी सिंह ने पूरा का पूरा गाना गाया है, उन्होंने स्टेज जो है ही सेट इट ऑन फायर, स्टेज को आग लगा दी। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि लव डोज 2 जो है वो जल्द ही आने वाला है, और फैंस ये बात सुनकर बड़े ही उत्सुक हो गए। वहीं पर हेटर्स जो है वो उनको कर रहे हैं वार्डरोब मैल फंक्शन के लिए ट्रोल, जहां पर स्लाइट सा हल्का सा वार्डरोब मैल फंक्शन होते हुए दिख रहा है। पर उर्वशी ने इस बात को भी बहुत ही अच्छी तरीके से और पॉजिटिवली अपने स्ट्राइड में लेते हुए और एक वीडियो शेयर किया है, और वहां पर लिखा है अपने आप ही फिसल गया कैसे क्या पता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वार्डरोब मैल फंक्शन का शिकार होते होते ही उर्वशी ने अपने आप को बचा लिया है। आपको क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, और लव डोज 2 के लिए आप कितने एक्साइटेड है बताना ना भूलें इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। अभिषेक बच्चन स्टारर फिल्म बिग बुल का टीजर हो गया है आउट। चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूँ मूवीज अड्डा में। दोस्तों आपको बता दूं कि फिल्म बिग बुल में अभिषेक बच्चन जो है वो किरदार निभा रहे हैं हर्षद मेहता का। अब हर्षद मेहता की जो पूरी स्टोरी है वो हमने एक वेब सीरीज़ के माध्यम से तो देख ली है, पर अब फिल्म के माध्यम से ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो दर्शाई जाने वाली है। मैं आपको बता दूं कि टीज़र में वॉइस ओवर है अजय देवगन जी का, और अजय देवगन ने पूरा ही वॉइस ओवर बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। और मैं आपको बता दूं कि फिल्म में ये देखने मिलने वाला है कि बिग बुल, अब बिग बुल ने क्या किया, किस तरीके से किया, वो पूरी की पूरी कहानी हमने देख ली है, पर फिर एक बार अभिषेक बच्चन कैसे उसको दर्शाएंगे ये देखने के लिए हम सभी उत्सुक हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि फिल्म का ट्रेलर जो है वो 19 मार्च को आने वाला है, तो फिल्म 8 अप्रैल को स्ट्रीम होने वाली है डिज्नी हॉटस्टार प्लस पर। आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को देखने के लिए, और इस स्कैम को फिर एक बार देखने के लिए, इसके नए नए पहलू भी हमें देखने मिलेंगे इस फिल्म के माध्यम से। हाउ एक्साइटेड आर यू बताइए इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ।
दोस्तों कल मैंने आपके लिए खबर लाई थी कि गौहर खान पर बीएमसी के द्वारा दर्ज हुई है एफआईआर और इस एफआईआर पर अब स्टेटमेंट दिया है गौहर खान की टीम ने। चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों आपको बता दूं कि गौहर खान जो है उनके ऊपर एफआईआर इसलिए दर्ज है क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव पाई गई थी और कोविड 19 की जो गाइडलाइंस है उनका उन्होंने उल्लंघन करते हुए वो फिल्म सेट पर पहुंच गई थी। दोस्तों आपको बता दूं कि अब उनकी टीम ने ये स्टेटमेंट जारी की है कि गौहर खान जो है वो सभी कायदों का नियमों का पालन करने वाली नागरिक है और उन्होंने सभी कायदों का नियमों का पालन किया है और फिर एक बार उनकी टेस्ट की गई है और सारे टेस्ट में वो नेगेटिव पाई गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टीम ने ये रिक्वेस्ट की है कि बहुत ही मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से गुजर रही है गौहर खान क्योंकि जस्ट 10 दिन पहले ही उनके पापा जो है वो गुजर गए और इस टाइम में उनको संभलने का एक तरीके से वक्त मिले, इसकी गुंजाइश की है उनकी टीम ने। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बाकी तो पता नहीं, पर ये तो पक्का है कि गौहर खान जो हर समय अवेयरनेस के बारे में बात करते हुए नज़र आती है वो ऐसी बात नहीं करेंगी। आपको क्या कहना है इस पर, आपकी क्या राय है वो ज़रूर रखें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों सुहाना खान की एक तस्वीर है जो बड़ी ही वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूँ मूवीज अड्डा में। दोस्तों आपको बता दूं कि सुहाना खान जो है उन्होंने एक फोटो शेयर की है। जैसे हम सभी जानते हैं कि सुहाना खान बड़े ही सुर्खियों में रहती है उनके सोशल मीडिया अकाउंट की वजह से और हमेशा से वो अपने फैंस को कोई ना कोई ट्रीट देते हुए नजर आती है। ऐसा ही कुछ हुआ है, पर फैंस जो चर्चे कर रहे हैं उनको फाइंड आउट करना है कि आखिरकार ये जो शख्स है जिसके साथ सुहाना ने फोटो अपलोड की है वो है कौन। दोस्तों आपको बता दिया जाए कि सुहाना खान ने पार्टी में से एक फोटो शेयर की है जहां पर सुहाना खान है, उनके एक दोस्त है और एक मिस्ट्री बॉय भी है बीच में। अब ये मिस्ट्री बॉय आखिरकार कौन है ये सभी को पता लगाना है। अब इसका पता तो अब तक नहीं चला है क्योंकि सोशल मीडिया पर सुहाना ने किसी को भी टैग नहीं किया है अपने स्टोरीज में, पर सुहाना जिस तरीके से इस मिस्ट्री बॉय से लिपटी हुई है सभी को ये लग रहा है कि शायद ये सुहाना खान का हो सकता है बॉयफ्रेंड। आपको क्या लगता है इस तस्वीर को देखने के बाद जरूर बताइए इन द कमेंट्स बिलो। मैं आपको जाते जाते ये बता दूं कि सुहाना खान बड़ी ही फैशनेबल और प्रिटी लग रही है इस तस्वीर में। आपकी जो कुछ राय है बताइए इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। भाईजान सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करने के लिए इमरान हाशमी है बड़े ही एक्साइटेड। चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूँ मूवीज अड्डा में। दोस्तों आपको बता दूं कि भाईजान सलमान खान और इमरान हाशमी एक दूसरे के ऑपोजिट दिखने वाले हैं फिल्म टाइगर 3 में। इसी बात के बारे में बात करते हुए इमरान हाशमी ने हाल ही में हुए उनके इंटरव्यू में ये बताया कि मैं एक फ्रेंचाइजी में काम करने के लिए बेहद एक्साइटेड हूँ। उसी के साथ साथ उन्होंने आगे चलकर ये भी बताया है कि सलमान खान के साथ काम करना ये मेरा एक ड्रीम रहा है और जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस मौके को हाथ से जाने नहीं दूंगा। और ऐसा ही कुछ होने वाला है टाइगर 3 के साथ, जहां पर हमें देखने मिलेंगे ऑपोजिट भाईजान सलमान खान, इमरान हाशमी और इस फिल्म में है चेरी ऑन द केक यानी कटरीना कैफ। इसी के साथ साथ ये भी बता दूं आपको दोस्तों कि इमरान हाशमी बड़े ही जोरों शोरों से कर रहे हैं तैयारियां क्योंकि उनकी हाल ही में फिरंगी बॉडी बिल्डर्स के साथ एक फोटो भी दिख रही है जहां पर वो प्रेप कर रहे हैं टाइगर 3 के रोल के लिए। आखिरकार क्या होगा उनका रोल और कैसा होगा उनका लुक ये देखने के लिए हम बेहद है एक्साइटेड। आपको क्या कहना है इस बारे में जरूर बताइए इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ।